Very good morning to all my lovely children. Hope you all are good. This is your third lecture of class 1 subject English language. Children, आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पे मैंने homework लिख दिया है. Previous class का ये homework है, ठीक है? तो आप लोग इसे जल्दी से अपने copy से इसे match कर लेंगे कि आप लोगों ने सही बनाया है या गलत है. Hope आप सबका सही होगा, फिर भी एक बार आप लोग मिला लें, ठीक है? जैसे देखिए मैंने लिख दिया है विस का विशेष, सब में मैंने ई एस जोड़ा है क्योंकि मैंने लिखा था वहाँ पैडिंग में कि एड ई एस टू मेक प्लूरल, ई एस जोड़कर आप लोगों को प्लूरल बनाना था. देखिए विस का विशेष, बीच का बीचेस, चर्च का चर्चेस, लॉस का लॉसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, हीरो का हीरोज, मैंगो का मैंगो, सब में ई एस जुड़ा है. आप देख रहे हैं अच्छे से, ठीक है? तो इसे आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिए, मिला लीजिए. अगर गलत हो तो प्लीज़ सही कर लीजिएगा, ठीक है? और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है? ये चैप्टर नंबर 2 है, अपोजिट. अपोजिट मतलब होता है उल्टा, ठीक है? तो हम सब जानते हैं अपोजिट मतलब उल्टा होता है, ठीक है? तो देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है कोल्ड. कोल्ड मतलब होता है ठंडा. तो इसका जो वर्ड अर्थ निकल रहा है ये ठंडा है, इसका अर्थ होता है ठंडा. और इसका जो अपोजिट बनेगा हॉट, हॉट मतलब गर्म, मतलब ये ठंडा का हो गया गर्म. इन, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर. पुअर मतलब, पुअर मतलब गरीब, और रिच मतलब अमीर. न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना. हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब उदास. तो आप लोग अपोजिट वर्ड समझ गए होंगे, ठीक है? अच्छे से इसे देख लीजिए और मैं आप लोग को होमवर्क देती हूँ, आप लोग इसे घर से कीजिएगा जरूर. अगर फिर आप लोग को नहीं समझ में आया, कोई डाउट रहा, तो मैं अगले क्लास में फिर एक बार और इसे अच्छे से समझाऊंगी आप लोग को. ओके, तो मैं आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? तो देखिए आप लोग, ये मैंने होमवर्क लिख दिया है, राइट अपोजिट वर्ड्स, मतलब इस सब का अपोजिट वर्ड आप लोग को बना कर लाना है, ठीक है? गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बैड, बैड मतलब बुरा. तो बाकी का ये खुद से आप कीजिएगा, मैं सिर्फ इसका मीनिंग बताती हूँ. लिटिल मतलब छोटा, तो छोटा का अपोजिट क्या होगा? आप लोग दिमाग से अपने सोच के अच्छे से लिखिएगा प्लीज़. स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा. सॉफ्ट मतलब मुलायम. ड्राई मतलब सूखा. लव मतलब प्यार. आफ्टर मतलब बाद. लॉन्ग मतलब लंबा. अप मतलब ऊपर. न्यू मतलब नया, ठीक है? तो ये आपका अपोजिट वर्ड है, ठीक है? इसको आप लोग बना कर अच्छे से बना लीजिएगा कॉपी में, और प्लीज़ एकदम नीटली लिखिएगा. मैं हमेशा हर क्लास में आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग नीटली लिखिएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग अगर गलत ख़राब हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है? तो होप आप सब अच्छे से समझ गए हों और बनाएंगे भी, ठीक है चिल्ड्रंस? ओके, बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.